तो ये घर है हमारा जहाँ पे हम रहने वाले हैं। तुम एक अच्छी लड़की के साथ रहते हो? अच्छा, अच्छी लड़की के तुम फ्रेंड्स हो सारे, ये मैंने ढूंढी है। हाँ। और दूसरी अच्छी लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो लोग काम करते थे ना, उनके घर ऐसे होते थे, और यहाँ पे 8 से 10 लोग कम से कम, एक पूरी फैमिली रहती थी अंदर। तो भाई जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे अपनी प्रॉपर्टी पे, एंड यू वोंट बिलीव कि ये क्या प्रॉपर्टी है। अमेजिंग प्रॉपर्टी, क्या जगह है यार। मैं भी आपको दिखाता हूँ यार। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे को कहीं जाना ही नहीं है, मेरे को बस यही छोड़ दो, मेरे को कहीं नहीं, कुछ नहीं, पत्थर नहीं देखना। आज तो हमारी तो आंखें ऐसे हो गई भाई साहब। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये यहाँ पे हमें मिले अभी नए फ्रेंड हमारे। ये हमारी ही जगह है, तुम्हें आज हमने रेंट पे लिया है। हाँ, तो ये घर है हमारा जहाँ पे हम रहने वाले हैं, और सामने आप देख सकते हो ये प्राइवेट लेक है यहाँ पर। तो आप अपना यहाँ पे चाय वाय पियो, कॉफी पियो, बैठ के इसमें खेलो, वहाँ पे जाके रीले बनाओ, जो मर्जी करो। और वहाँ पे और प्रॉपर्टीज है इनकी। ये वाला घर जो है ये हमने बुक किया हुआ है, और उस साइड पे और भी है। और वहाँ पे वो देखो डक्स, उन्होंने वो बता रही थी अभी, जो ओनर है शी इज सो लवली, सो फ्रेंडली, और उन्होंने साउथ अफ्रीकन कोई डक्स उन्होंने स्पेशली, हाँ, यहाँ पे रखी हुई है। और मेरे को तो वो लग रहा है, वो जो लेक के बीच में छोटा सा आइलैंड है, इट इज सो अमेजिंग यार। बस मैं तो ये ध्यान में आ रहा है यहाँ पे, मैं इतनी एक्साइटमेंट देख रहे हो आप, एक्साइटमेंट देख रहे हो आप चेहरे पे। तो अभी हम लोग बस अभी पहुंचे ही हैं। अभी यहाँ पे इनका प्राइवेट एक स्विमिंग पूल और हॉट टब और सोना स्टीम सब कुछ है यहाँ पे, मतलब। हाँ। तो अभी वो हमें बता रही थी कि यहाँ पे कैसे कैसे यूज करना है आपको। तो अभी थोड़ा बहुत खा के हम लोग जाएंगे। फिलहाल आपको दिखाता हूँ पहले अंदर से प्रॉपर्टी कितनी बढ़िया है। चलो लेट्स गो। आर्या को पसंद आई? आर्या डिड यू लाइक इट? चलो। और मुझे ना ये जो पत्थर पत्थर वाले घर होते हैं ना, इसकी फील ही अलग है। कॉटेजेस है, हाँ। जो प्रॉपर कॉटेज की फील होती है वो यही है कि यही पत्थर हो, ऐसी ही वो सीलिंग हो वुडन वाली, और फॉल्स मतलब प्रॉपर उसमें लाइटिंग वगैरह हो रही है। यहाँ बढ़िया टीवी लगा रखा है, काउच है, यहाँ पे बैठो आराम से, नाश्ता वाश्ता करो, चिल करेंगे, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। और लाइट जला देते हैं पहले यार। जैसे हम लोग सोचते थे ना वेकेशन पे जाएंगे तो ऐसे कॉटेज में रहेंगे, किस्मत बहुत अच्छी है। इस लड़के ने भी बोला था अभी बुक करो, और मतलब जैसे ही हमने देखी वैसे ही हमने मतलब बुक कर दी कि मैंने कहा ये प्रॉपर्टी निकल गई ना तो और कोई नहीं मिलेगी। और वो भी और अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसका प्राइस क्या होगा, तो प्राइस जो है इसका हमें पड़ा है 2 रातों का अराउंड 404 pounds के अराउंड, मतलब दो फैमिलीज का। तो सही है यार, बहुत महंगा नहीं है, इससे भी महंगे महंगे आते हैं पीक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमें काफी अच्छा मिल गया, क्योंकि अभी उन जो इसका ओनर थी जिसने हमें चाबियां दी हैं, उसने बोला कि तुम्हें मिल गया, लास्ट लकी हो, तुम्हें ये मिल गया है। हाँ। और बहुत ही अच्छे से उसने बताया। यहाँ पे पूरी किचन है, चिकन किचन देखो, छोटा सा क्यूट सा आइलैंड जो हम ऐसे शोज वगैरह में नहीं देखते थे। हाँ। मैं पहली बात कर रहा था रणवीर ब्रार बनाने में, रणवीर ब्रार, छोटी सी क्यूट सी आइलैंड है। और यहाँ पे अपना सामान रखने की जगह, ये पूरा कुकर इसका पूरा सेट करके दिया है कि आपको कुछ बेकिंग करनी है तो यू कैन बेक दिस कुक बुक्स फॉर यू। और मतलब प्रॉपर जैसे विक्टोरियन स्टाइल या पुराने जमाने में लोग पूरा सेट करते होंगे ना, वैसे वाली फील आ रही है। और यार सिंक देखो, दो दो डबल सिंक एंड दैट टू लाइक ह्यूज। हाँ चलो, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और पूरा ना देखो, ऊपर देखो पूरा ओल्ड स्टाइल बना हुआ है, ऐसे कॉटेजेस वगैरह होते हैं यहाँ के। मैं बताती हूँ, उन्होंने हमारे लिए जो डाइनिंग टेबल है वो सेट करके दिया है। अच्छा, ये तो मैंने देखा ही नहीं। वाओ, डाइनिंग टेबल पूरा सेट है यहाँ पे, वाइन हम ला चुके हैं। अच्छा एक बार ना मेरे को रूम भी देखने हैं यार। ओ चलो आओ, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। ओके, तो ये है इसका फर्स्ट रूम। तो एक रूम ये है, पूरा मतलब यार कैसे बोलेंगे इसको, विक्टोरियन स्टाइल जो मूवीज में देखते हैं हम लोग, रॉयल टाइप है ना। आर्या की वजह से आया मतलब
ओ सामने से व्यू देखो भाई, व्यू देखो कितना बढ़िया है। ये मेरा हो चुका है, मैं अपनी जैकेट रख के जा रही हूं। नहीं भी देखा भी यहाँ पे टॉवल्स वगैरह दे रखे हैं इन्होंने, और दूसरा भी सेम है, सेम ही है भाई, सेम है। यहाँ से भी व्यू बढ़िया है, वाओ। ओ पर वो फील है, विक्टोरियन वाली फील है, और मुझे ऐसी जगह पे हॉलिडे करने का मजा आता है जो आप इन जनरल रहते हो ना। अरे अरे हो गया, तूने तो अपना बेड ले लिया। कितनी खुश हो रही है भाई। और हम लोग ना ये वाली नूडल्स जो है इसके दीवाने हो चुके हैं, और ये बहुत सही है यार, ये वाला फ्लेवर खासकर। तो हम आते ही पहले तो नूडल्स वगैरह बना रहे हैं, और नूडल्स वगैरह खा के फिर देखते हैं स्विमिंग पूल या हॉट टब में जाना है। ठीक है, चल लेंगे वहाँ पे, फिर रात को अपना बढ़िया से डिनर करेंगे। रहमन बन चुकी है यहाँ पे, पहली बार ट्राई करेंगे नितेश और जूही। और ये हमने जो बनाई है ये है कार्बोनारा वाली, तो अच्छी लग रही है वैसे तो। ये चार दिन से हम रहमन रहमन कार्बोनारा बम वगैरह थे। नाम ऐसा ना इसका, कार्बोनारा सही बनी है, वैसे ही बनी है। चलो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ के मेन एरिया में। गौरव तो आराम से मजे कर रहा है। यहाँ पर बन रहे हैं चिकन कबाब, ये ना अभी हम लेके आ गए थे, ये वाले चिकन कबाब है, बहुत सही होते हैं ऐसा सुना है मैंने। और यहाँ पे आज क्या बनने वाला डिनर में? चिकन चिकन कर देंगे हम। आज का डिनर जो है वो चिकन होने वाला है। एक्चुअली में हम लोग चिकन ले आए थे आज जैसे जब रुके थे। हाँ। और मेरे पास ये वाली सॉस पड़ी थी, ये है होम स्टाइल चिकन करी सॉस। बस ये सॉस यूज करेंगे, थोड़े बहुत अपने मसाले डालेंगे और चिकन डालेंगे, मस्त बन जाएगा। तो यही सही होता है एयरबीएनबी में ना, अपना हाँ। खाना बनाओ बढ़िया, हो तो गया है बाहर जा नहीं सकते, खाने जाते हैं। और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, इतनी अच्छी किचन है, उसको एंजॉय नहीं किया तो क्या ही फायदा। चलो बीए बनाओ भाई, सबसे पहले मुश्किल से मिलती है। हाँ हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठंड बहुत है, जैकेट बनाओ इसको। वो सो मॉर्निंग हो चुकी है, अगला दिन है, और बस रेडी होके नीचे आया हूँ। सामने लेक का व्यू है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस अभी आज नाश्ता वास्ता करेंगे बढ़िया सा, चाय बनाने के लिए रखने वाला हूँ मैं, और मेरे हाथ की चाय सबको पसंद है, तो कहते चाय आप ही बनाओ, चाय मैं बनाता हूँ। नाश्ता करेंगे, और यार यहाँ पे ना मैं सोच रहा हूँ थोड़ी एक आध कोई रील बनाई जाए, अच्छा से अच्छी सी लोकेशन है, और जब पैसे दिए ही हैं तो पूरा फायदा क्यों ना उठाया जाए उसका। ब्रेकफास्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है, वर्ल्ड फेमस हमारी चाय रेडी है, वर्ल्ड फेमस। हाँ आज हमने बनाई है ताज स्पेशल, ताज। मैंने जूही के घर पे पी थी ताज वाली चाय, वहाँ ताज, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, मगर आज वही बनेंगे। अच्छा साथ में बन रहे हैं यहाँ पे बीन्स, बेक्ड बीन्स तड़के वाले, और साथ में एग्स जो कि जूही बनाने वाली है। कौन से? हाफ फ्राई। यहाँ नाश्ता तैयार हो गया है, एग्स वगैरह कर लिए, साथ में तड़का बीन्स, और साथ में हो गई है चाय हमारी। प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट इन इंग्लिश कॉटेज। बस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, अभी यहाँ पे पीक कैवन जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे केव्स वगैरह है, और पूरा एक घंटे का गाड़ी टूर होता है केव्स का, तो यहाँ पे बहुत सारी केव्स है पीक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं पर ही जा रहे हैं। और ये लोकेशन देखो कितनी सही लग रही है, I'm not afraid to die.
अभी रास्ता में एक बढ़िया सी ड्राइव दिखी है तो हम यहाँ पे आके रुक गए हैं और बहुत ही सही लग रहा है यार, ऐसे ड्राइव करके एक घंटे का ड्राइव था और पहुंचने वाले हैं अभी। सही है, मजा आ रहा है पीक डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे सारी पीक्स है, लेक डिस्ट्रिक्ट में लेक्स है, पीक्स वहाँ पे भी है। वैसे कहीं मर्जी चले जाओ सब कुछ ब्यूटीफुल ही है। आपको एक जो वो आंखों की थेरेपी होती है ना कि आंखों से आपको ऐसे लगता है कि हाँ यार कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता कई बार ना, हम सोचते हैं ये ले ले वो ले ले पर इतना आ नहीं पाता कैमरे में जितना आप आंखों से देख पाते हो। भाई चलो निकलते हैं, बहुत ठंड हो गई, इतनी ठंड में फोटो शूट हो गया, बाहर फोटो शूट करा रहे थे और ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, ठंड हो रही है और इनको फोटो पकड़ पड़ी है, बताओ लो। चलो भाई खाने के लिए गरम गरम रुक रहे हैं या फोटो के लिए रुक रहे हैं। लेकिन भाई ड्राइव बहुत बहुत अच्छी ड्राइव है और साथ में पूरे पहाड़ है। एक घंटे बाद जाके यहाँ पे हमें पार्किंग मिल चुकी है। यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज्यादा दिक्कत है, पता नहीं क्यों छोटे छोटे कार पार्क बना रखे हैं और ईस्टर हॉलीडेज पे इतनी भीड़ हुई पड़ी है। एक ही कार पार्क के अंदर हम 15-20 मिनट से ऐसे ऐसे राउंड काट रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिल जाए। लकीली अब मिली हमें पार्किंग, अभी बस जाएंगे यहाँ से केव वगैरह के लिए और वहाँ पे भी देखते हैं कितनी लंबी लाइन है, मिलेगी नहीं मिलेगी। एक्चुअली ये ना पीक डिस्ट्रिक्ट में जगहें छोटी छोटी है, गलियों के अंदर बनाई हुई है लेकिन सुंदर है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे इसलिए ज्यादा लोग आते हैं, बाइकर्स बहुत आते हैं यहाँ पे। यार अभी हम केव्स की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता आया बीच में पूरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है आ रहा? ये देखो कितना सही लग रहा है यार। छोटी राहें कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी, लंबी लंबी दूरी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना। बस यहाँ से चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं पीक कैवन, ये सामने बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ये सारी केव्स है पहाड़ों के अंदर, तो हमने सोचा एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और बहुत अच्छी जगह है ये वाली। तो ये देखो ऐसी है द डेविल आर्स और यहाँ पे शोज वगैरह भी होते हैं कुछ कुछ। पहुंच गए हम फाइनली और टिकट्स वगैरह ले लिए, एक बार टिकट का प्राइस बता दो। एडल्ट्स की टिकट आई है 86 पाउंड की, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको शायद 20 पाउंड पर पर्सन पड़ेगी, तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट हमने इन पर्सन करी है यहाँ पे आके। ये ना अमेजिंग जगह है यार, इट्स सो ब्यूटीफुल और मैं हैरान रह जाती हूँ कि यार ये नेचुरल केव्स है। अभी तो अंदर दिखेगी प्रॉपर केव्स, बट यहाँ से भी कितना ग्रैंडनेस और कितनी प्रीटी है। और ये जो आपको पानी आता हुआ दिख रहा है ना, ये कोई वाटरफॉल का पानी है, जहाँ हम पहाड़ के नीचे है तो वाटरफॉल का पानी टपक रहे थे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे जो लोग काम करते थे ना उनके घर ऐसे होते थे और यहाँ पे 8-10 लोग कम से कम, एक पूरी फैमिली रहती थी अंदर और पूरा यहाँ खाना वाना बनाते थे। बताओ इतनी छोटी सी केव है, लेट्स सी कैसे अंदर। ओ भाई इस छोटे से एरिया में रहते थे सारे के सारे लोग और खाना वाना बनाते थे, यहीं सोते थे, यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे। ओ भाई ये तो बहुत लंबी है, ऐसे कैसे जाएंगे। ओहो हो दम घुट रहा है अंदर। कैसा लगा अब तक? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग ना मूवी जैसे बनी है ना, यहाँ पे शूट भी हुई है बहुत सारी टीवी सीरीज वगैरह
वगैरह यहाँ पे शूट हुई है, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो है उसकी भी शूटिंग यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हुई थी। आई थिंक एक मूवी है ड्रैगन करके, हाउस में कुछ तो ड्रैगन्स नहीं, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया यहाँ पे हाउस हुई है, एक केव करके मूवी है वो शूट हुई है। काफी बड़ी केव है यार अंदर, बहुत बड़ी है यार, बहुत। हाँ चले, तो मुझे जो ओवरऑल हिस्ट्री है ना इस केव की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नीचे जो हम देख रहे थे ना वहाँ पे हिस्टोरिकल ये था कि वहाँ पे रोप मेकर्स आके बस गए थे अपनी फैमिलीज के साथ, क्योंकि बाहर बारिश होती रहती थी, तो जो यहाँ का ड्यूक था उसने बोला कि यहाँ पे आके तुम रहो अपनी फैमिलीज के साथ और रोप बनाओ 365 days, तुम्हें वेदर का कुछ वो ही नहीं लेना पड़ेगा कि इस वेदर में बनानी है रोप या जो भी है, हाँ स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। सो वो नीचे जो रोप मेकर्स की हिस्ट्री थी दैट वॉज रियली रियली इंटरेस्टिंग। और ये वाली केव की जो बड़ी वाली केव थी उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये एक हॉन्टेड केव है और यहाँ पे मतलब बहुत सारे घोस्ट एंड स्पिरिट्स वगैरह है, तो वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था कि ये हॉन्टेड है, पूरे ब्रिटिश आइल्स में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड केव थी वो वाली। वाओ, चलो भाई अब हम अकेले लग गए हॉन्टेड केव में, भागो भागो। ओए होए होए, यही तक ही है, आगे इन्होंने बंद कर रखा है पूरा, बहुत गहरी है अंदर तो आगे पूरा इन्होंने बंद किया हुआ है। When they was making the Chronicles of Narnia, this particular episode was called the Silver Chair. यहाँ पे बैंड्स वगैरह की परफॉर्मेंस होती है, तो आज तो नहीं हो रही बट जनरली यहाँ पे बैंड्स परफॉर्म करते हैं, और सोचो ऐसी जगह पे कोई बैंड परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। वो कह रहे हैं जब परफॉर्मेंस होती है तो अराउंड 600-700 लोग यहाँ पे होते हैं। 600-700, ये इस केव का ना पूरा मैप है और ये एंट्रेंस है, तो यहाँ से अभी तक हम सिर्फ यहाँ तक आए हैं, डेविल्स वाली जगह तक इतना कवर किया है, अब ये पूरा का पूरा बाकी है। अब इसमें 3-4 miles और ऐड हो चुका है, 20 years ओल्ड है। वापस आ चुके हैं पूरा टूर करके और बहुत ही बढ़िया था यार, बहुत मजा आया, अमेजिंग टूर था, मजा आया। और यार ये सारी जो हिस्ट्री का पार्ट है और मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। आई थिंक मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, यहाँ पे जो लेड है ना, लेड की माइनिंग होती थी, और जो वर्कर्स थे वो जो लेड माइनिंग कर रहे होते थे उनके लिए रोप्स बनाते थे, तो रस्सियां बनाते थे। लेड माइनिंग वो ये कह रहे थे, लेड माइनिंग पूरे पीक डिस्ट्रिक्ट में होती थी, और यहाँ पे बेसिकली जो रोप माइनर्स होते थे वो रोप बना नहीं पाते थे क्योंकि यहाँ पे बारिश इतनी होती है, बारिश वेदर आपको पता ही है ब्रिटिश वेदर था ना, सो इट वाज लाइक ब्रिटिश वेदर, हम क्या करें, हम रोप बना नहीं पाते, रोप्स गीली हो जाती थी। तो जो उस टाइम का ड्यूक था ही सजेस्टेड कि एक कैवन है, आप अपनी सारी फैमिलीज लेके यहाँ पे आओ और यहीं पे ही रहो और रोप्स बनाओ, सो वेदर का कुछ है नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आप 365 days रोप्स बना सकते हो। तो ऐसे करते करते रोप इंडस्ट्री काफी ज्यादा बढ़ गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे वो कह रहे थे कि काफी 8-10 फैमिलीज यहाँ पे रहती थी, और छोटे से घर में, हाँ इतने इतने छोटे छोटे घर थे वहाँ पे, और उसके साथ साथ उनकी जो कैटल्स थी, काउस, शीप्स, पिग्स, वो सब यहाँ बांधते थे, यहीं पे ही रखते थे। तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टोरी थी उन्होंने जो बताई है, और बहुत सारी मूवीज की भी सब कुछ करते हुए, बहुत सारी मूवीज वगैरह की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की हुई है, और भी बहुत सारी जगहों की थी। ये है सामने का व्यू, हम नीचे जा रहे हैं, उधर का व्यू दिखाओ, वो पूरा पीक डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल में हम कैसलटन जगह है। तो ब्यूटीफुल से ड्राइव करके हम लोग आ चुके हैं कुछ खाने के लिए, और आज हमने सोचा लंच हम बाहर करेंगे, रात का डिनर अपने घर पे ही बनाएंगे आराम से, और हम लोग आ गए द विंकिंग मैन, और ये बहुत ही सही जगह यार, हमने रास्ते में चार बार यहाँ देख चुके हैं, हम आते जाते रुके भी थे हाँ थोड़ी देर। तो खाना आ चुका है यहाँ पे, हम लोगों ने मंगवाया है स्पाइसी हॉट एंड स्पाइसी चिकन बर्गर, और यहाँ पे पिज्जा भी इनका मतलब ठीक था, अभी थोड़ा वो मेस्ड अप हो गया बट अच्छा लग रहा था पिज्जा, इतना टेम्पटिंग है रुका नहीं गया, हाँ रुका नहीं गया, और भूख लग रही है बहुत तेज की, लेकिन चलो एंजॉय करते हैं हम अपना फूड और फिर मिलते हैं आपसे। हमने लंच कर लिया है और यहाँ पे पूल टेबल था, तो सोचा एक आधी गेम पूल की खेल ली जाए, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती बट ये दोनों खेलने वाले हैं। हॉलीडे पे और ऐसी गेम ना खेलो तो मजा ही नहीं है, जो ही सीख गई है बढ़िया यहाँ पे पूल खेलना,
ये देखो आप मार के दिखाएगी, ये टकाक, ये देखो फाउल, अरे वाइट से मारना होता किसी को नहीं, इसने क्या किया वाइट को ही मार के सीधा, अरे वाइट उस साइड पे आएगी। ये क्या सेंटर में मार दिया, थोड़ा सा कहाँ से सीखे हो ये, हम एडिट कर देगा ये, मुझे पता है ये कैसे करेगा, कहीं से मर्जी पकड़ लो, ट्राई करूँ यहाँ डिनर रेडी हो गया है। यहाँ पर राजमा, चिकन और साथ में अनियंस और आज राइस, राजमा और चावल खाएंगे। हॉलीडे पे ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग सीक्वेंस गेम ना खेले, तो अभी डिनर वगैरह कर लिया, कल हमारा चेकआउट है और अभी हम लोग आराम से बैठ के यहाँ पे सीक्वेंस गेम खेलेंगे।